हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं हूँ नाहिद और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी मिठाई की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ब्रेड मलाई चॉप और ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस मिठाई की रेसिपी किसी भी ओकेजन पर या जब भी आपका दिल करे खाने का आप तैयार कर सकती हैं और बहुत ही कम टाइम में ये घर पर बहुत ही आसानी से टेस्टी मिठाई हमारी तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मिठाई की रेसिपी को बनाना। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें सबसे पहले रबड़ी तैयार करनी होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध को गैस पे रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं मीडियम रखी हूँ और मीडियम ही फ्लेम पर लगातार हम बीच बीच में दूध को इस तरीके से चलाते रहेंगे और साइड में जितनी भी मलाई लगेंगे उसे स्क्रैप करके हम लोग बीच में इसे मिलाते भी रहेंगे। और अगर आपको रबड़ी बहुत जल्दी गाढ़ी करनी है तो आप यहाँ पर इसी टाइम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इस फुल क्रीम दूध से ही रबड़ी तैयार करूँगी। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि दूध यहाँ पर रेडियस होकर आधा ना हो जाए। अब मैं इसी टाइम इसमें 6 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। रबड़ी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है तो 6 बड़े चम्मच चीनी यहाँ पर परफेक्ट है। आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ पर कम या ज़्यादा चीनी की क्वान्टिटी कर सकते हैं। अब मैं इसमें दूध में भिगोया हुआ ज़ाफ़रान ऐड कर रही हूँ जिससे एक अच्छा सा कलर आ जाता है, ये ऑप्शनल है। इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध को लगातार बीच बीच में चलाते रहना है हमें। अब मैं इसमें कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। आप अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। इसी तरीके से हमें लगातार बीच बीच में दूध को चलाते रहना है और साइड की मलाई को स्क्रैप करके बीच में मिक्स करते रहना है। अब मैं इसी टाइम इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब इस इलायची पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट और इसे पकाऊंगी, दूध को गाढ़ा करूंगी। उससे ज़्यादा नहीं हमें पकाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद दूध और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद हम फ्रिज में रख के अच्छे से इसे चिल्ड कर लेंगे। जब तक ये दूध 5 मिनट में गाढ़ा होगा, चलिए हम लोग इंस्टेंट खोआ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन मैंने गैस पे रख दिया है और गैस का फ्लेम लो रखा है अभी। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो घी की जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। इसे पहले अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी पिघल गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दूध। यहाँ पर अगर आप फुल क्रीम दूध का यूज करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा खोया का, और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे टोन्ड मिल्क से भी बना सकते हैं। दूध और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। इस मिल्क पाउडर को हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। मिल्क पाउडर डालने के साथ साथ इसे लगातार हमें स्टर करते रहना है और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है जिससे इसमें एक भी लम्स ना रहे। गैस का फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे लगातार चलाते हुए हमें मिक्स करना है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट और शाइनिंग वाला खोया चाहिए था तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे 1 चम्मच घी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा मिल्क पाउडर दूध में मिक्स कर दिया है और इसे लगातार मैं चला रही हूँ जिससे ये नीचे तले पर ना चिपके, क्योंकि ज़रा सा भी ये अगर चिपक जाएगा तो इसमें से फिर जलने की स्मेल आने लगेगी, इसलिए इसे हमें लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि इसमें गुठलियाँ नज़र आ रही हैं तो उसे आप दबाकर मैश करना है आपको और इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो जिससे हमारा खोया बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट सा बनकर तैयार होगा। इसे अच्छे से चलाते हुए हमें साइड से भी अच्छे से इसे स्क्रैप करते जाना है और बीच में इसे मिक्स करते जाना है। मुझे इसे लगातार चलाते हुए 3.5 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि खोया पैन छोड़ने लगा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं यहीं पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। तो इस खोया को बनाने में मैक्सिमम आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर खोया को मैंने एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लिया है और अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिला रही हूँ। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। क्योंकि हमने इस खोया को मिल्क पाउडर से तैयार किया है तो वो मीठा होता है, इसलिए हमें इसमें चीनी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी रबड़ी भी मीठी है तो यहाँ पर हमारा जो स्वीटनेस है, मिठास है, वो बैलेंस रहेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड ले लिए हैं और ब्रेड को हमें इस तरीके से बेलन के हेल्प से इसे फ्लैट करना है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार ही इस पर हमें बेलन चलानी है, फ्लैट करनी है। अब इसके साइड्स को हमें कट करके निकाल लेंगे। इस तरीके से आपको जितने भी ब्रेड के मलाई रोल तैयार करने हैं आप उतने पीस को इसी तरीके से पहले तैयार कर लीजिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों और रिलेटिव्स में भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे और वो भी फ्री में। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस तैयार कर लिए हैं कट करके। अब इस पर हमने जो खोआ तैयार किया था उसे इवनली हमें स्प्रेड कर देना, अच्छे से फैला देना इस तरीके से। अब ब्रेड के दूसरे साइड एजेस पे हमें इस तरीके से ब्रश के हेल्प से या फिर फिंगर से भी आप दूध लगा दीजिए, जिससे जब हम इसे रोल करें तो वहाँ पर दूध के हेल्प से ये चिपक जाएंगे बहुत ईजली। अब ये देखिए, बहुत ही आराम से इसे हमने रोल कर लिया और इसे चिपका दिया है और इसे अभी एक साइड में रख देते हैं। इसी तरीके से आपको जितने ब्रेड मलाई रोल तैयार करने हैं आप पहले उसे तैयार कर लेंगे। खोआ पहले हम लोग लगाएंगे, उसे अच्छे से फैला देंगे और ब्रेड के दूसरे साइड हम लोग थोड़ा सा दूध लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमें ब्रेड को फोल्ड करना है, बहुत ही आराम आराम से फोल्ड करके उसे हल्का सा प्रेस करते हुए चिपका देंगे। तो यहाँ पर दूसरा रोल भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसे भी हम लोग प्लेट में साइड में रख देंगे। और अब हम लोग मलाई चॉप तैयार करेंगे। तो आपके पास अगर कुकीज़ कटर हो या फिर इस तरीके से गिलास से आप बीच से सर्कल काट कर निकाल सकते हैं ब्रेड्स की। और इसके साइड एजेस को दूध में हमें डिप करना है, पूरे ब्रेड को नहीं, सिर्फ साइड्स को इस तरीके से आप डिप कर लीजिए। उसके बाद जो हमने खोआ तैयार किया था उसे बीच में रखना है और अच्छे से इसे स्प्रेड करना है चारों तरफ, अच्छे से ये फैल जाए। तो खोआ को हमें अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है चारों तरफ। और अब इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख करके इसे प्रेस करते हुए और साइड्स के किनारों को भी अच्छे से हमें प्रेस कर देना है इस तरीके से, जिससे वो चिपक जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि ये दूध से भीगे हुए हैं तो आसानी से ये चिपक जाते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया है चॉप, इसे भी हम लोग प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड मलाई रोल और ब्रेड मलाई चॉप बनकर तैयार हो चुका है और हमारी चिल्ड ठंडी ठंडी रबड़ी भी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है ये रबड़ी फ्रिज में रखने के बाद। तो इसे अब हमें इसके ऊपर डाल देना है इस तरीके से। तो इस ईजी और टेस्टी मिठाई को आप लोग घर पर एक बार ज़रूर बनाएं और अपने मेहमानों और घर वालों को खिलाएं। और यकीन जानिए, वो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे घर पर तैयार किया है। अब इसकी गार्निशिंग मैं बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पंखुड़ियों से कर रही हूँ। आप इसे जैसे चाहें सजा सकते हैं या बिना सजाए ऐसे भी आप सर्व करेंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो इस टेस्टी, मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली मिठाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना ना भूलें। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में से ज़्यादा शेयर भी करें। आप सबने मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।